चलो, कहता है स्पिरिकल बॉडी है विथ रेडियस 12। अब देखो, एक बॉडी है जो स्पिरिकल है, स्पिरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड रेडिएट 450 वाट पावर एट 500 केल्विन। इफ द रेडियस हाफ एंड द टेम्परेचर डबल देन द पावर रेडिएटेड। अब देखो, स्पिरिकल बॉडी है। अब इसने बताया नहीं यार कि ब्लैक है कि कैसी है, ठीक है? तो बॉडी तो बता दिया स्पीयर है। तो अब ये जो स्पीयर है, आपको पता है कि ये एनर्जी रेडिएट करता है ना, एनर्जी रेडिएट करता है। इसकी इमिसिविटी स्टेफेंस लॉ लगा रहा हूँ, स्टेफेंस का सिग्मा, स्टेफेंस कॉन्स्टेंट, इमिसिविटी टी की पावर फोर, सरफेस एरिया टी टाइम। ये एक्चुअली इक्वेशन है, ठीक है? टी टाइम में आधा घंटा एक घंटा बाद सरफेस एरिया ए लेके कोई नॉर्मल बॉडी इतनी एनर्जी रेडिएट करेगी, ठीक है? अब कहता है कि पावर, पावर मतलब होता है ई बाई टी, ई बाई टी मतलब पावर, ठीक है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, दैट इज, ये एक बॉडी के लिए ये सारा कॉन्स्टेंट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फोर एंड एरिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है? बाकी सारे कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगी इसका, इसकी सरफेस एरिया, फोर पाई आर स्क्वायर। तो फोर पाई आर स्क्वायर टेम्परेचर टी की पावर फोर, है ना? बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी की पावर फोर। ये सब मैं ऐसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर पी वन अपन पी टू इज इक्वल टू आर वन अपन आर टू स्क्वायर टेम्परेचर टी वन अपन टी टू का पावर फोर। अब वैल्यू डालो, ठीक है? पहले स्पेरिकल बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर 400 पावर एट 500। पहला जो है, इफ द रेडियस हाफ हो गया और टेम्परेचर डबल हो गया। रेडियस हाफ मतलब पहले वाले केस में रेडियस 12 था, बाद में रेडियस 6 हो गया का स्क्वायर। पहले जो टेम्परेचर था 500 केल्विन था, बाद में इसका डबल हो गया 1000 हो गया कि पावर 4। और पहले P1 पहले पावर कितना था, ठीक है? अब पावर पूछ रहा है ना ये, अब पावर पूछ रहा है। देखो नाउ डबल द पावर रेडिएटेड, 450 वाट था पहले, ठीक है? ये 450 वाट, ये P2, इसको ये फाइनल सॉल्यूशन इसको। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेफेंस लॉ था। स्टेफेंस लॉ का एक्चुअल इक्वेशन ये है, ठीक है? बट आप जो पढ़ के आए, पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाए होंगे, बस छोटा पढ़ाए होंगे, सिग्मा टी की पावर फोर। सिग्मा टी की पावर फोर वो कब लगता है, जब ब्लैक बॉडी होती है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक है? समझ रहे हो ना, पर यूनिट एरिया, छोटा एरिया, यूनिट एरिया, एक सेकंड में एक ब्लैक बॉडी पी बी 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 परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है? तो लगता है इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर, ठीक है? ये स्पेशल केस है इसका।